अस्सलाम वालेकुम, दिस इज हबीब रहमान बेग। हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल एंड अर्न मनी। अगर आप यूट्यूब चैनल बनाने के बाद कुछ पैसा कमाना चाहते हैं अपनी बेरोजगारी की वजह से, या ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स हैं कि आपके घर में बिजली के बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं और अपने घर के खर्चे नहीं चल रहे, तो साथ में एक यूट्यूब चैनल अगर आप बना लेते हैं तो उससे आपको कुछ एक्स्ट्रा इनकम आ जाएगी। और बाद में ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपका चैनल चल जाता है साल डेढ़ साल बाद, तो आपको हो सकता है जॉब आप छोड़ दें और आप चैनल के ऊपर ही रहें, क्योंकि चैनल से भी आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आप कंटिन्यूअसली काम करते रहे अपने YouTube चैनल के ऊपर। अगर आप डेली एक वीडियो फेंकते हैं अपने YouTube चैनल के ऊपर, उसकी अच्छे तरीके से SEO करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, तो इंशाल्लाह आपका चैनल ना सिर्फ ये कि चलेगा और आप एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। और पाकिस्तान के जैसे हालात हैं उसमें हर आदमी को कुछ ना कुछ करना चाहिए। इवन अगर आप स्टूडेंट हैं, 16-17 साल आपकी उम्र है, तो तब भी आपको ये काम करना शुरू कर देना चाहिए। अब चलते हैं जी, आप कैसे एक चैनल शुरू कर सकते हैं और उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं मेरी जिंदगी के। मेरा चूंकि चैनल बहुत पुराना है, 2009 का मेरा चैनल है और तकरीबन 2018 से मैंने इसके ऊपर डेली वीडियोस डाल रहा हूं। 2018, 19, 20, 21, 22, 23 अब देखें 7 साल तकरीबन ये हो गए हैं। इन सालों के अंदर मैं डेली एक या दो बाद का 5-5, 6-6 वीडियोस ही मैंने डाले हुए हैं डेली। तो आपको मैं अपना लाइफ एक्सपीरियंस भी बताऊंगा यूट्यूब का, और आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपने अपना यूट्यूब चैनल खोलना है, अपना यूट्यूब चैनल बनाना है, तो आप अपने बिजनेस को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, या जो भी आप काम करते हैं उसको कैसे प्रमोट कर सकते हैं, या आपका जॉब नहीं है तब आप कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली जो चीज जरूरी है ना यूट्यूब चैनल के लिए, वो है कि आपके पास एक जीमेल का अकाउंट होना चाहिए, एक्टिव जीमेल अकाउंट। जीमेल अकाउंट कोई भी बना सकता है, वो बहुत सिंपल सा है। अपना नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम देना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, अपना एक कोई नंबर देना है, तो आपका जीमेल आईडी बन जाएगा। एक चीज तो ये जरूरी है। और जब आप गूगल में यूट्यूब में जाके अपने जीमेल के जरिए से लॉग इन होंगे तो आपका यूट्यूब चैनल बन जाएगा, ठीक है जी। उसके ऊपर आप नीचे बिल्कुल अपने मोबाइल के बिल्कुल नीचे वाली साइड पे यूट्यूब चैनल यानी ऐप के बिल्कुल नीचे वाली साइड पे प्लस का बटन होगा, जो प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप कोई भी वीडियो जो है ना अपलोड कर सकते हैं। अपलोड अगर 5 मिनट का वीडियो होगा तो उसे पाकिस्तान में अगर अच्छी स्पीड वाला इंटरनेट हो तो 5 से 10 मिनट में अपलोड हो जाता है वीडियो, ठीक है जी। पहली चीज ये थी, जो जरूरी चीज है वो है आपका ईमेल एड्रेस, जो कि जीमेल के ऊपर या गूगल के ऊपर बना हुआ होना चाहिए। पहली चीज जिस उसी के जरिए से आप लॉगिन करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। दूसरी चीज जो जरूरी है वो है एक मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर आपका होना चाहिए, कोई भी आप जाहिर आपका मोबाइल है तो मोबाइल नंबर भी होगा। फिर आपने वीडियो जो है ना वो शूट कर लेना है 1080p के ऊपर, यानी वीडियो शूट करने के कई मतलब होते हैं। एक होता है 720 का फ्रेम साइज होता है, एक 1080 का फ्रेम साइज होता है, एक 2K का होता है यानी 1920 बिट्स होती है, और एक होता है 4K। 4K लेवल के तो अभी आपको जरूरत नहीं है, अभी आप 720 के बना लें या 1080p के बना लें। अगली चीज ये है उसकी एडिटिंग। एडिटिंग या तो आप लैपटॉप के ऊपर करें, वो तो जाहिर है एक तो मुश्किल काम है, सीखना पड़ता है Adobe प्रीमियर के ऊपर, या और बड़े बड़े अच्छे सॉफ्टवेयर्स हैं जहां पे जो प्रोफेशनल जो एडिटर्स होते हैं, जो टीवी चैनल्स में काम करते हैं, जो बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, वो वहां से करवाते हैं। एप्पल का आईपैड लेते हैं, या इस तरह के बड़े अच्छे अच्छे आप कंप्यूटर्स लेते हैं तो एप्पल के जरिए से एडिटिंग बहुत अच्छी होती है। या फिर दूसरा तरीका है अपने मोबाइल के जरिए से। मोबाइल के ऊपर 2 ऐप्स हैं, बल्कि 3 ऐप्स हैं जिनका मैं नाम ले सकता हूं। पहला, अब आपने उसकी एडिटिंग करनी है। एक तो तरीका यह था कि आप लैपटॉप के ऊपर, एप्पल के लैपटॉप के ऊपर उसकी एडिटिंग करें, जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी की एडिटिंग होती है। लेकिन अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो आप मोबाइल की ऐप के जरिए से भी वीडियो को एडिट कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान है। 3 ऐप्स का जिक्र मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। पहली ऐप है InShot, InShot, ये प्ले स्टोर से आपको मिल जाएगी। दूसरी ऐप का नाम है कैप कट है, और तीसरे नंबर पे जो ऐप है उसका नाम है KineMaster, KINE आगे मास्टर। ये तीनों ऐप्स आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएंगी, वहां से जाके आपने डाउनलोड करनी है और इसको चलाना सीख लेना है। वो भी आपको यूट्यूब के मुश्किल ट्यूटोरियल मिल जाएंगे जहां से आप इसको सीख सकते हैं। अगली जो चीज है वो ये है कि आपने टॉपिक कौन सा रखना है। आपने टेक का टॉपिक रखना है, आपने व्लॉगिंग का टॉपिक रखना है, आपने कुकिंग का टॉपिक रखना है, या कोई और कोई चीज है उसके हवाले से आपने वीडियो बनाना है, तो उस हवाले से आपने एक ही नीश के अंदर या एक ही कैटेगरी के अंदर आपने कोशिश करनी है कि वीडियो बनाने। मेरी वैसे डिफरेंट कैटेगरीज होती है, मैं जब से शुरू किया चैनल तब से लेके अब तक डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर जो जो मेरे पास नॉलेज था, मैं चाहता हूं कि अपनी जिंदगी के अंदर जो जो कुछ सिखा सकता हूं सिखाऊं, जो जो कुछ एक्सपीरियंस हासिल किया है वो लोगों को बताऊं।
तो मैंने तो डिफरेंट बनाया, लेकिन मैं आपको एडवाइस करता हूं, अगर आपने कुकिंग का चैनल बनाना है, कोई लेडीज हैं जो कुकिंग का चैनल बनाना चाहती हैं, तो वो पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक कुकिंग के ऊपर वीडियोस बनाए तो वो उनकी ज्यादा चलेंगी, क्योंकि लोगों को पता होगा, जो सब्सक्राइबर होंगे ना वो उसी कैटेगरीज के अंदर सब्सक्राइब करते जाएंगे, जब भी कोई नया वीडियो आपका आएगा तो वो सब्सक्राइबर आपके आपको पहचान के आपके वीडियो को देख लिया करेंगे, आपका नाम बन जाएगा। अगली चीज ये है कि जो आपने वीडियो शूट करना है हमेशा अच्छी लाइटिंग में करना है। मेरे जो पहले वीडियोस हैं 2018 के, आप उसको उनको अगर आप देखेंगे ना, तो उनके अंदर लाइटिंग का इस्तेमाल मैंने नहीं किया हुआ था, आउटडोर में शूटिंग करता था ज्यादातर, हाउस कंस्ट्रक्शन के वीडियोस होते थे या किसी और जगह व्लॉगिंग करनी होती थी तो जो नेचुरल डे लाइट होती थी उसी के अंदर वीडियोस बनाता था। लेकिन अगर आपने अपने कमरे के अंदर वीडियो बनानी है तो लाइटिंग का अरेंजमेंट आपको करना पड़ेगा, छत के ऊपर और दीवारों के ऊपर अच्छी लाइटिंग होनी चाहिए, और बाजार से आपको अच्छी लाइट्स सॉफ्ट लाइट्स मिल जाती हैं जो कि एक्सपेंसिव होती हैं, लेकिन आम लाइट्स अगर आप अपने कमरे के अंदर आपका पेंट अच्छा किया हुआ हो, यानी कि लाइट कलर का पेंट हो, ऊपर छत के ऊपर कम से कम 7-8 लाइटें आपने छत के ऊपर लगाई हो, कम से कम 18-18 वाट की एलईडी बल्ब लगाए हो, और दीवारों में साइडों पर भी आपने बल्ब लगाए हो, अपने मतलब दाई साइड के ऊपर भी कम से कम कोई 4 फुट छोड़ के कुछ चाहे स्टैंडिंग लाइट लगाई हो या दीवार के ऊपर लाइट लगाई हो, और लेफ्ट साइड पर भी कोई दीवार के ऊपर लाइट लगाई हो, तो इस तरह करके आपकी लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए। और अगली चीज है वॉइस, आपकी ऑडियो, आपकी जो आवाज है वो अच्छी होनी चाहिए, आपके पास ऐसा कैमरा या ऐसा मोबाइल हो जिसके अंदर नॉइस कैंसिलेशन वाला माइक उसके अंदर बिल्ट इन होना चाहिए, या फिर एक एक्स्ट्रा माइक ले लें जो बोया कंपनी का, आप वायरलेस ले लें माइक, या आप वो वायर वाला तार वाला माइक तो 2000 का मिल जाता है, वायरलेस आपको 8 से 10 हजार रुपए का मिलता है, और जो आपने देखा होगा चोरस एक माइक होता है लोगों ने इधर लगाया होता है, वो माइक 60-70 हजार रुपए का आता है, वो एक्सपेंसिव माइक है, लेकिन अभी आप वो यूज ना करें, अगर आपको 20-25 हजार वाला मोबाइल है उसी से ही आप वीडियो शूट किया करें। अगली चीज है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अगर आप चाहते हैं कि आपका वीडियो टॉप पे आए और यानी कि ज्यादा लोग उसको देखें, तो जाहिर है आपको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़ेगी। उसके लिए 3 चीजें होती हैं, जब आप वीडियो अपलोड करते हैं तो उसके बाद जब आप YT स्टूडियो के अंदर जाते हैं 3 चीजें आपको नजर आती हैं, एक नजर आता है टाइटल, टाइटल मतलब हेडिंग उस वीडियो की, दूसरा आता है डिस्क्रिप्शन, और तीसरी चीज आती है टैग्स। आपने टाइटल वो लेना है जो लोग ज्यादा सर्च कर रहे हो, जैसे ये एक टाइटल है हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल, दिस इज अ टाइटल, इसके ऊपर हजारों नहीं लाखों वीडियोस बने हुए हैं अमेरिका के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, नाइजीरिया के अंदर, यूके के अंदर, फ्रांस के अंदर, सऊदी अरेबिया के अंदर, दुबई के अंदर, हाउ टू क्रिएट अ यूट्यूब चैनल एंड अर्न मनी बाय क्रिएटिंग अ यूट्यूब चैनल, इस तरह के आपको टाइटल रखने पड़ेंगे। जो भी आपका फॉर एग्जाम्पल अगर आप कुकिंग का चैनल है और आप बिरयानी के ऊपर वीडियो बना रहे हैं तो आपने लिखना है हाउ टू कुक अ डिलीशियस बिरयानी, इस तरह का हाउ टू कुक अ चिकन बिरयानी, ये एक टाइटल होगा। फिर उसके नीचे आपने डिस्क्रिप्शन लिखना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने पहले तो वो टाइटल जो आपने ऊपर लिखा था उससे रिलेटेड आपने 5-6 डिफरेंट कीवर्ड्स देखने हैं कि लोग कैसे सर्च करेंगे यूट्यूब पे आके, वो जो लाइनें सर्च करेंगे वो आपकी नजर में अगर आती हैं तो उन्हें यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे, क्या लोग इसी तरह से सर्च करते हैं, उन 5-6 लाइनों को या कीवर्ड्स को आपने एक पेपर पे या एक कॉपी में लिख के रख लेना है, और लिखने के बाद उन्हीं लाइंस को आपने डिस्क्रिप्शन में लिखना है अपने अल्फाज में, ठीक है, और बार कम से कम 2 दफा आप रिपीट करेंगे उन लाइंस को, जो मतलब 5 लाइनें हैं, 5 कीवर्ड्स हैं, उनको 2 दफा आपने रिपीट करना है, एक पहले पैराग्राफ में 3 लाइनों में दोबारा एक स्पेस छोड़ना है, उसके बाद दोबारा फिर एक पैराग्राफ लिखना है, वो 5-6 लाइनों में दोबारा उन्हीं 5 कीवर्ड्स को आपने लिखना है, इसे कहते हैं डिस्क्रिप्शन लिखना। तीसरी चीज है टैग्स, टैग्स भी आपने वही जो 5 कीवर्ड्स आपने ढूंढे थे कॉपी में लिखे थे उन्हीं को आपने टैग्स के अंदर उन 5 कीवर्ड्स को आपने लिख देना है। ये तो हो गया SEO यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगली चीज जो है वो है आपने जब भी कंटेंट बनाना है तो ओरिजिनल कंटेंट बनाना है, किसी का कॉपी नहीं करना। अगर आपने कॉपीराइटेड वीडियोस चाहिए होते हैं तो मुख्तलिफ वेबसाइट्स मिल जाती हैं, pixabay.com है, pexels.com है, और भी मुख्तलिफ जगह से आपको कॉपीराइट फ्री वीडियोस भी मिल जाएंगी, लेकिन कोशिश करेंगे कॉपीराइट फ्री वीडियोस भी लेना अगर आप 10 सेकंड से ज्यादा का क्लिप ना लगाएं अपने वीडियो के अंदर। और अगली चीज जो जरूरी है वो है ब्यूटीफुल थंबनेल। थंबनेल वो तस्वीर होती है, जब आप यूट्यूब के ऊपर कोई चीज सर्च करते हैं तो तस्वीर आती है जिसके ऊपर उस बंदे की फोटो लगी होती है, जैसे मेरे थंबनेल होते हैं आपको नजर आते हैं, मैं सोलर के ऊपर बनाता हूं या मोबाइल पे बनाता हूं तो एक थंबनेल होता है जिसपे मेरी फोटोग्राफ होती है, या मोबाइल पे बनाऊंगा तो उस मोबाइल फोन की फोटोग्राफ होती है, तो इसी कहते हैं थंबनेल। इसका एक स्पेसिफिक साइज होता है जो यूट्यूब ने हमें बताया, वो साइज ये होता है कि कम से कम जो उसकी चौड़ाई है वो 1080 मतलब 1280 होती है चौड़ाई उसकी, और 720 उसकी हाइट होती है, ये एक साइज आपको रखना पड़ता है। उस साइज के मुताबिक आप किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर, अडोब फोटोशॉप के ऊपर या किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर आप वो थंबनेल डिजाइन कर सकते हैं या करवा सकते हैं, 500 रुपया देकर बाजार से भी डिजाइन करवा सकते हैं।
अगली चीज है पेशेंस। सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि आपने अगर आम किसी कंपनी में या किसी जगह पे जॉब करते हैं, आज आप जॉब करने स्टार्ट करते हैं ना, तो जैसी पहली तारीख होगी आपकी तनख्वाह बन जाएगी और 5 तारीख से पहले पहले आपके अकाउंट में आ भी जाएगी। लेकिन YouTube में ये होता है कि पेशेंस आपको रखनी पड़ती है, कम से कम 1 साल का टाइम आपको देना पड़ता है। पहले 6 महीने आपको 50 से 100 वीडियो बनाने पड़ते हैं, हर वीडियो आपका कम से कम 5 मिनट और ज्यादा ज्यादा 10 मिनट का होना चाहिए। 5 से 10 मिनट का आपने वीडियो बनाना है, और अगर शॉर्ट्स भी बनाते हैं तो तब भी ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाएं, और वीडियो हाई क्वालिटी के बनाएं, यानी कि जिससे आप शूट करें जिस मोबाइल से वो भी हाई क्वालिटी, उसकी आवाज अच्छी हो, साउंड में कोई नॉइस नहीं होना चाहिए। ये नहीं हो कि बाहर ट्रैफिक चल रही है, गाड़ियों का शोर हो, या किसी भी किस्म का कोई फेरी वाले जो लोग गुजर रहे हैं, कोई आलू बेच रहा है, कोई टमाटर बेच रहा है, उसकी आवाजें नहीं आनी चाहिए, या बच्चों के शोर नहीं आना चाहिए, बच्चों के रोने की आवाज आ रही है, या बर्तन की आवाज आ रही है, कोई हांडी पकाने की आवाज आ रही है, आवाजें आपके वीडियोस के अंदर नहीं आनी चाहिए। अगर आवाज आती भी है तो आपके वीडियो से रिलेटेड हो, जैसे किसी मैकेनिक की आप कोई वीडियो बना रहे हैं तो मैकेनिक कोई टायर खोल रहा है, कोई इंजन खोल रहा है, उसकी आवाज अगर आ रही है तो ठीक है, लेकिन बाहर से कोई साउंड नहीं आनी चाहिए। तो ये आपने ज़हन में रखना है। और दूसरी चीज, 50 से 100 वीडियोज आप बनाएंगे और आपके जब तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो जाते और 4000 घंटे वॉच टाइम नहीं हो जाता, तब तक आप YouTube को अप्लाई नहीं कर सकते मोनेटाइजेशन के लिए। मोनेटाइजेशन का मतलब है कि आपको पैसे या डॉलर्स तब मिलने शुरू होंगे जब आपके 1000 फैंस या 1000 सब्सक्राइबर होंगे। जैसे मेरे 2,14,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं आज की तारीख तक 15 जुलाई 2024 को। और एक और आपको चीज बता दूं, आज से 4 साल पहले 2020 में मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए थे। 2 साल में मैंने 1 लाख सब्सक्राइबर किए थे, लेकिन पहला 1000 सब्सक्राइबर करने में मुझे 6 महीने लगे थे, और अगला जो है ना मतलब 99,000 सब्सक्राइबर करने में मुझे 1.5 साल लगा था आपको, और पहली पेमेंट आने में मेरे 2 साल लगे थे। यानी 2018 में मैंने YouTube के ऊपर एक्टिवली काम शुरू किया, रोजाना का 1-2 बाद का 6-6 वीडियोस मैं अपलोड करता था, और 2020 के अगस्त में जाके मेरी पहली पेमेंट आई थी, और उसी जमाने में मेरा सिल्वर प्ले बटन आया था, सिल्वर प्ले बटन जो कि मैंने अपने वीडियोस में दिखाया भी हुआ, पुराने वीडियोस में देख ले, 2020 के अगस्त या सितंबर के अंदर, जैसे ही मुझे अमेरिका से, उन दिनों आपको पता है कोरोना का भी लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन जैसे ही खत्म हुआ तो मुझे अमेरिका से गूगल के हेडक्वार्टर से यूट्यूब के मतलब ऑफिस से मुझे एक सिल्वर प्ले बटन आया जिसके ऊपर मेरा नाम और मेरे चैनल का नाम लिखा हुआ था। और ये है सारी चीजें, जब आपने मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास अपना आईडी कार्ड भी लाजमी होना चाहिए। आईडी कार्ड फ्रंट और बैक की तस्वीरें भी लगती हैं और आपकी अपनी फोटोग्राफ भी लगती है जो कि आप उसी वक्त अपने मोबाइल से लेके सेंड करेंगे, साथ ही आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक की आप तस्वीरें सेंड करेंगे, तब आप अर्निंग के काबिल होंगे। और ये मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस था जो कि मैं आपको शेयर करना चाह रहा था, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं मुझसे क्वेश्चन करते हैं, इर्द गिर्द के जो मतलब रिलेटिव्स होते हैं, दोस्त होते हैं, कुलीग्स होते हैं, मतलब नेबर्स होते हैं, वो आपको फोन करके पूछते हैं कि सर जी हमने भी यूट्यूब चैनल शुरू करना है, हमें तरीका बताएं। तो मैंने उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाया और ताकि वो भी कुछ ना कुछ काम करें, पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोई ना कोई कंट्रीब्यूट करें, और अपने घर की तरक्की के लिए भी अपने बीवी बच्चों का पाल खर्चा उठा सकें, या अगर आप यंग हैं तो अपने माँ बाप का सहारा बन सकें, माँ बाप अगर आपके बूढ़े हैं तो और आपको जॉब नहीं मिल रही तो आप कम से कम ये चैनल शुरू कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ आप कोई ना कोई जॉब जारी रखें, चाहे आप छोटे लेवल पे जॉब कर लें, किसी छोटी सी दुकान के ऊपर जॉब कर लें, या छोटा मोटा कोई बिजनेस कर लें, कोई इवन ये हैंड फ्री आप सेल कर सकते हैं अपने मोटरसाइकिल पर रख के, या पैदल ही किसी जगह पर छोटा सा स्टॉल लगा के ये मोबाइल के चार्जर, मोबाइल के हैंड फ्री आप सेल कर सकते हैं, मोबाइल की वायर आप सेल कर सकते हैं, छोटे छोटे काम आप कर सकते हैं, तो वो आप करते रहें साथ साथ, और साथ साथ अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते रहें। ठीक है, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, अल्लाह हाफिज़।